8 ओवर 59 रन, लास्ट ऑफ 7 विकेट, सॉरी 8 विकेट। इन खिलाड़ियों को देख करके मुझे कुछ कहने का मन होता है। कहते हैं चल सैया के सांवरे और जो नाजुक के तीर, और ये दोनों देखन में छोटे लगे पर घाव करत गंभीर। बहुत ही शानदार, एक विकेट, अगर विकेट हो जाए तो ही चांस है जीतने की। ये देखो लगता है इनके पास पल आ रा 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 निखिल भैया जीत गए। मिलेगा मिलेगा हमारी भी ट्रॉफी ले। अब देखो भैया जीत गए राजा। ये मिलेगा 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 जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ये देखिए हमारे सौरभ द्विवेदी जी अपने खिलाड़ियों को राय देते हुए, और देखते हैं अब क्या नतीजा होता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं बीटियों में साफ साफ कि हन्ना की टीम को काफ़ी घमंड हो चुका था, इस बात का पूरा घमंड हो चुका था कि हम ही जीतेंगे, इतना रन हमारे लिए कुछ नहीं है। तो मैच अब फंस चुका है, एकदम कांटे का मैच हो चुका है। आप लोग बने रहें। मैं कहना चाहूंगा अगर 6 रन देते हैं तो फिर चाहिए भैया ताली। तीरथ बोले और ये मिलेगा 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 इस बार जाएगा जाएगा। अरे ये खेल लिया रे। हां ये मिला ये बोले 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 आउट ले आओ। जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूं, विकेट के ऊपर विकेट, विकेट के ऊपर विकेट, भड़ेसर की टीम को पूरी तरह से देखिए किस तरह खुशी का माहौल छाया हुआ है। और एक नंबर की बिल्कुल कांटे का मैच हो चुका है दोस्तों, ये निराश होकर के जा रहे हैं। आपका शुभ नाम भैया? आशीष। आशीष जी, अब हमारे आशीष जी आ चुके हैं, अब देखते हैं आशीष जी के ऊपर सभी पूरी टीम का इन्हीं के ऊपर अटका हुआ है। शंकरलाल भाई छूटे ना बच्चू, मिलेगा चलो ठीक है ठीक है ठीक है। बॉलिंग है भाई, बॉलिंग मिलेगा 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 मिलेगा। बाहर का एक बार बाहर भेज दिया था अंदर। ये मिला ये मिला ये मिला ये मिल गया। क्या बात क्या बात क्या बात है सुहाग है। लगता है निखिल को टीम डर गई। खाओ खाओ मचाए है। मिलेगा मिलेगा ये मिल गया। रोको रोको रोको, जानबूझ के चौका देते हुए मिस फील्डिंग, इसको कहा जाए तो बिल्कुल मिस फील्डिंग ही कह सकते हैं। जानबूझ के जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए वहां पर 4 रन, भड़ेसर की टीम की मिस फील्डिंग। अगर इसी तरह मिस फील्डिंग होती हुई रहेगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मैच को जीतना। लास्ट विकेट है शायद। मिलेगा मिलेगा ये मिल गया। अरे ओ बहुत सुंदर, देखिए लाला लाला भाई हमारे इस समय बहुत गुस्से में चल रहे हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैच अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, वो विजयी होकर ही आएंगे। अरे वाह, 2 रन 2 रन, एक जान बूझ के उल्टा सीधा फेंक के ले आओ हले। ला चार पाँच
जहां एक रन होना चाहिए था तहां चार रन, थ्रो के ऊपर थ्रो, थ्रो के ऊपर थ्रो, और थ्रो किसी का कामयाब ना रहा, और जहां एक रन होना चाहिए था वहां अंतरित तीन रन जबरदस्ती का देते हुए। बड़े सर के टीम को मैं कहना चाहूंगा कि आपकी मिस फील्डिंग की ही वजह से ये मैच आप हार सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की मिस फील्डिंग ही लास्ट में अखर जाती है। ये आठ रन जबरदस्ती के गए हुए हैं, जहां दो रन जाना चाहिए तहां आठ रन गए हुए हैं। जय माधारा, जय माधारा भैया, छह गेंदों में मात्र 18 रन की आवश्यकता है। मैच तो बहुत फंस चुका है, और कहा जाए तो अभी भड़ेसर के मुट्ठी में ही मैच है। नहीं कहा जाता कोई करिश्मा हो जाए, कोई करिश्मा ही जिता सकती है हन्ना को, टीम को। अरे वाह, ये देखिए मिस फील्डिंग कितनी हो रही है। चार में सोलह, पांच में सोलह। भैया गाड़ी हटा ले, गाड़ी हटा ले। आप सभी को मैं बता दूं कि क्या बाली है पप्पा, लाजवाब पा सकते बेटा, बंद कर रहा हूँ, लाजवाब वाली पप्पा द्वारा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि भड़ेसर की टीम भड़ेसर की मुट्ठी में आ चुका है मैच, और इसका कारण ये है कि हन्ना को टीम को काफी घमंड हो चुका था कि मैच हमारे मुट्ठी में है और इस मैच को हम ही जीतेंगे। पापा तुम लगा लोगे, तो सुनने कर दिया। दुई में सो रहा कहा, सुन जा रहे यार, काल में पेड़ उखाड़ो, चा फैल ले हूं मैं। अरे भैया तुम में सो रहा 14। एक छक्का और एक चौके की जरूरत है, अब देखते हैं क्या करिश्मा होता है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, दो बालों में आप तो गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि एक बाल में 14 रन चाहिए। एक में चौदह भैया नहीं उल्टा उल्टा ना है भाई, घूम घूम के रहा तो राम से काम आते। ये देखिए बाबा हमारे पापा कहाँ जाते हैं, अबे किस बच्ची है पापा के बच्ची है रे, आ रही कहरी जंदे भागा रे ले भाई ले। आउट, ऑल आउट, लास्ट बॉल में ऑल आउट। बहुत सुंदर बड़े भैया, आप बहुत अच्छा खेले, हमारे तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बड़े सर की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और बहुत अच्छा आप लोगों ने खेला, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आप लोगों का इस जी। ये दोस्तों जो हन्ना की टीम को जो घमंड था, ये उसका नतीजा है कि आज भड़ेसर की टीम जीत करके वापिस अपने टीम की ओर जाती हुई।
अब मैं विपक्षी टीम से निवेदन करूंगा कम से कम लंच तो ले ले। ये देखिए टोपी टूट चुकी है और लाला जी का कहना है कि टूटा टोपी हम लेंगे नहीं, ये नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेहनत करके जीती हुई ये टीम है। ये देखिए ये जीत का नतीजा है। मैन ऑफ द मैच कौन पाया? अनमोल। वाह बहुत सुंदर। निपट लेंगे अरे भैया चोकू चोकू बिस्कुट खाई सी बस बस चल। मैं सबसे पहले बड़े सर की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बड़े भाई आप मैन ऑफ द मैच आप पाए हुए हैं, आप अपने खिलाड़ियों को कुछ कहना चाहेंगे? खिलाड़ियों को ये कहना चाहता हूं कि ये जो फील्डिंग करते हैं वो मिस्टेक करते हैं और इनमें मतलब फील्डिंग में अपना सुधार करें और बैटिंग और बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान दें। आप भी अच्छी टीम को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन लोगों का ये कहना था अगर कोई चौका जाता था तो मैं स्वयं सुना हूँ इस बात को कि उनका कहना था कि इसको छक्का दे दिया जाए क्योंकि अगर कुछ रन नहीं बनेंगे तो हम लोग खेलेंगे क्या, जीतेंगे क्या। तो रन कुछ अच्छा खिलाड़ी भेजाइए ताकि कुछ रन बन जाए और ताकि हम लोग को खेलने के लिए मिल जाए। खेल में हार जीत होती रहती है और रन का कोई मायने नहीं रहता है। खिलाड़ी सही से खेलना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। उनके घमंड को आप क्या कहना चाहेंगे? जो घमंड करेगा वो ऐसे चोर होगा। बहुत सुंदर। जय श्री राम। दोस्तों भड़ेसर की टीम हमारी जीत चुकी है और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप चित्रकूट दंगल चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। और ये आज का टूर्नामेंट ग्राम पिपरौंट जिला चित्रकूट हन्ना वर्सेज भड़ेसर का हुआ था। जय श्री राम।